तो चलिए दोस्तों, आपके लिए लेके आऊँ एक और शानदार वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का बाजार। और आज के बाजार में आपके लिए लेके आऊँ Redmi 9 Prime की अनबॉक्सिंग, और आपको दूंगा अपने फर्स्ट इंप्रेशंस और रिव्यू इसी फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन मुझे सबसे अच्छा लगा 10,000 के नीचे। पहले जो मेरा सबसे अच्छा फोन था 10,000 के नीचे, वो था Realme का C15, जो कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था। लेकिन जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन पर नज़र डाली, भाई जो इसका जो प्रोसेसर है वो इसको भाई आगे रखता है 10,000 के नीचे, क्योंकि जो उसका जो Realme C15 का जो प्रोसेसर है वो है G35 Helio का, और ये इसका प्रोसेसर जो आता है वो है Helio का G80। इसके लिए मैं इसको रखता हूँ अपनी नंबर पे, अपनी जो नंबर की लिस्ट है बेस्ट फोन अंडर 10,000 नंबर 1 पे, क्योंकि भाई ये फ़ोन मुझे सारी स्पेसिफिकेशन को अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है अभी तक। अभी इसके बाद मुझे नहीं पता और कोई फोन आएगा तो, लेकिन अभी तक तो आज की डेट तक तो ये फ़ोन 10,000 के नीचे बेस्ट है, क्योंकि भाई ये बड़ी स्क्रीन देता है, अच्छा प्रोसेसर देता है, बड़ी बैटरी देता है, फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी 18 वॉट की। और भाई 10,000 के नीचे आता है, दो वेरिएंट्स हैं, 3 32 और 4 64 के आपको वेरिएंट अमेज़न पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 24 अगस्त को 12 बजे इसकी सेल है, आसानी से जाके खरीद सकते हो। तो आपको दूंगा इसी के बारे में फुल अपनी डिटेल्स, आपको जो भी कहनी है इंप्रेशंस, अनबॉक्सिंग जो भी है भाई, सब कुछ बताऊंगा इसी फ़ोन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो और घंटी को दबा दो, जिससे आप हमारी अनबॉक्सिंग वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, कंपैरिजन वीडियो, यूनिक एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस, भाई मैंने आपको अपने आई कार्ड में डाले हैं अपनी कुछ गैजेट्स यूनिक, भाई जैसे इरेजेबल नोटबुक और भाई स्मार्ट टिफिन की वीडियोस, और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेने वाला लेके आने वाला हूँ और कुछ लेके आ चुका हूँ, तो उन सबको आप देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यूनिक यूनिक प्रोडक्ट्स की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस फोन में भाई आप गेमिंग भी काफ़ी सही कर सकते हो। मैंने कहा कि जो लोग होते हैं उनको गेमिंग भी करनी है तो उनका बजट जो 10,000 के नीचे है, क्योंकि 10,000 का जो बजट होता है वो हमारे इंडियंस में भाई सबसे ज़्यादा भाई हाई माना जाता है, क्योंकि 70% तक मैं मानता हूँ कि 70% लोग 10,000 के नीचे वाले फ़ोन खरीदते हैं। भाई मैं भी 10,000 के नीचे वाला फ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरा फ़ोन है Realme C2। भाई आप इसकी भी अनबॉक्सिंग देख सकते हो, भाई तो ये भी 6-7 हज़ार का मैंने खरीदा था। तो भाई आप 10,000 के नीचे जो होता है ये ऐसी प्राइस है भाई सभी के लिए, क्योंकि भाई 10,000 के नीचे सबको अच्छी प्राइस पे अभी अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो ये फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसमें Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये नहीं कि कोई एरी गैरी टेक्नो फेंगो कंपनी का हो, पर भाई आपको ये जो कंपनी है ये भी Redmi की, यानी कि आपको इसके सर्विस सेंटर भी आपको इजीली आपके आपके एरिया में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बिना टाइम का आपका वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं इसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो दोस्तों इसकी जो सेल है Redmi 9 Prime की, वो भाई आपको 24 अगस्त को 12 बजे देखने को मिल जाएगी। बाहर से भी ये भाई काफ़ी बड़ा लगता है, 6.53 इंच की HD+ डिस्प्ले है भाई, MIUI 11 यानी Android 10 का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और भाई जल्दी से आपको बताता हूँ इसके ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले आप इसको बाहर देख लो, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है भाई वो काफ़ी सही है, चिन भी काफ़ी पतली है और बेजल्स भी थोड़ी बहुत है, पर मैं ये नहीं कहूँगा। भाई आपको इस पीछे बैक में आपको राउंड शेप देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। संग में आपको फ्लैश लाइट भी कहीं देखने को मिल जाएगी आपकी अच्छी अच्छी फोटोज़ के लिए। नीचे Redmi की ब्रांडिंग है और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, और भी मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप इसको नीचे जाके बाय कर सकते हो। अभी मैं आप कुछ दिनों में वीडियो लेके वाला हूँ कि भाई आप Flipkart पे या Amazon पे जब सेल चलती है आप उनको कैसे खरीद सकते हो सेल वाली को, क्योंकि जब सेल चलती है तो भाई आप जल्दी जल्दी नहीं खरीद पाते हो, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप भाई कैसे आप सेल में खरीद सकते हो किसी प्रोडक्ट को, और आपका नंबर जरूर 100% आएगा। तो ऐसी ट्रिक लेके आने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि वो आपको वीडियो कल या परसों में मिल जाएगी। तो भाई सबसे पहले हम इसके बेजल्स की बात करते हैं। बेजल्स काफ़ी पतले हैं और चिन भी काफ़ी पतली है, 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले, यानी जब अपने आपको आप इसके फोन को जो हाथ में लोगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा, और इसमें डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। हाइब्रिड स्लॉट है भाई इसमें दिया गया है, यानी कि आप दो सिम लगा सकते हो और या फिर एक सिम या एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये मुझे थोड़ा इसका डिसअपॉइंट करता है, इसमें डेडिकेटर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। और नीचे की तरफ आपको भाई देखने को मिल जाएगा कुछ अभी बताऊंगा, लेकिन भाई जब पहले सबसे पहले इसकी मल्टीमीडिया की बात करते हैं, क्योंकि जब आप कोई बड़ा फोन लेते हो या 10,000 नीचे 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रही है, तो इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब कंज्यूम करोगे भाई, मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे। ब्राइटनेस की काफ़ी सही है, मतलब 500 निट से 450 निट की इसकी ब्राइटनेस है, यानी कि आप धूप में भी इसको आराम से देख सकते हो। और इसका जो एंड्रॉइड स्कोर आता है वो 2 लाख के पार आता है भाई, 2 लाख में मानेंगे एंड्रॉइड स्कोर इसका। अभी आपको पबजी खेलना है, यानी कि Fortnite और ये सब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने, तो भी आपको हाई सेटिंग में भी खेल पाओगे, थोड़ी बहुत लैग्स दिखेंगे, लेकिन भाई आप इसको आराम से खेल सकते हो, क्योंकि इसमें Helio का G80 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि भाई सभी फोन में नहीं आता है 10,000 के नीचे। आपको मैं बता चुका हूँ कि Realme C50 में G35 आया था, Realme C10 में G35 है, और भी फोन है उनमें सबसे अच्छे प्रोसेसर, लेकिन इसमें G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी सही है। आप गेमिंग भी काफ़ी सही कर सकते हो, हाई सेटिंग में खेल सकते हो, लेकिन आपको अगर बिल्कुल लैग नहीं करवाना तो मीडियम सेटिंग में खेलो, मक्खन की तरह आपको चलेगा, क्योंकि G80 प्रोसेसर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और कोई नहीं दे रहा है। साइड में आपको भाई वॉल्यूम और पावर बटन देखने को मिल जाएगा,
और नीचे 3.5mm जैक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। ऊपर आईआर ब्लास्टर है और नॉइज कैंसिलेशन माइक है, यानी कि आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा आपकी डेली लाइफ के लिए जो अभी आप यूज़ करते हो। बाहर की तरफ भाई देखने में अच्छा लगता है, आप इसमें भाई कितने भी ऐप्स वालो, कितने भी कुछ वालो, क्योंकि 4 है और आप एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड लगा के। आजकल भाई एक ही सिम यूज़ करते हैं भाई, आप दे सकते हो और आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। इस फोन में सब कुछ तो दे रखा है, बस एक है डेडिकेटेड सिम कार्ड लोते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता। और भाई आपकी मर्जी, आप बता ही रहा हूँ मैं आपको कैसे कैसे करना है। और भाई आप देख सकते हो बाहर से भाई देखने में तो काफ़ी सही लगता है, राउंड शेप में लगता है ये कोई आपने ध्यान करा हो तो पोको F2 में भाई यही वाली डिज़ाइन थी गोल्ड शेप में, आपने ध्यान दिया हो तो। आपने नहीं दिया तो भाई अब देखना कि इसमें भी गोल्ड शेप दी गई है। और भाई ये आपको एंड्रॉयड 10 पर सपोर्ट मिल जाएगा, यानी MIUI 11 इसका है। और भाई जल्दी अगर आपको थोड़े दिनों में भाई इसका जो कैमरा है वो भी काफ़ी सही है भाई, मैं आपको बताता हूँ। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इसमें दिया गया है। सामने की तरफ फ्रंट की तरफ 8 मेगापिक्सल का F2.0 इसमें सोनी का दिया गया है कैमरा भाई, जो कि आप अच्छे अच्छे फोटोज निकालें। 10,000 नीचे आपको 8 मेगापिक्सल की कैमरा मिलता है भाई, ये तो आप सभी को पता है। और 13 मेगापिक्सल का हाईएस्ट कैमरा होता है, जो कि हमें इसमें हाईएस्ट कैमरा दिया गया है, लेकिन इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यानी कि आपकी फोटो उसको अल्ट्रा वाइड यानी कि वाइड एंगल में खींचेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो भी है, तो भी मैक्रो शॉट आप लेना चाहते हो या आपने फूल पत्ती फोटो लेनी है तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें कई कलर आपको मिल जाएंगे, आप कलर देख सकते हो, मेरे कलर ध्यान नहीं आ रहे कौन कौन से हैं। इसे मीडियाटेक का हीलियो G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 5020mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करता है भाई। और भी इसमें MIUI 11 है जो कि एंड्रॉयड 10 पे भाई बेस्ड है, तो आपके भाई सबको पता है एंड्रॉयड 10 का फीचर चल जाएगा, सबको एंड्रॉयड 10 चाहिए।